अगर आप सोच रहे हैं दी ऑल न्यू बेनेली 302R लेने का, तो आज का ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ दी ऑल न्यू बेनेली टोर्नेडो 302R का। जी हाँ, इसका नाम है बेनेली टोर्नेडो 302R। सो वेलकम बैक टू दी चैनल एवरीवन, दिस इज प्रकाश महंत एंड यू आर वॉचिंग PM's मोटोग्राफी। तो अगर आज का ये वीडियो आपके किसी काम आता है तो मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूले, मैं वहाँ पर भी ऑटोमोबाइल्स के अपडेट्स देता रहता हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, सर्च करें प्रकाश महंत। और अगर आप हैं रायपुर से और इस वीडियो को देख रहे हैं और लेने का सोच रहे हैं बेनेली टोर्नेडो 302R या फिर बेनेली से रिलेटेड कोई सी भी बाइक्स, तो प्लीज़ विजिट करें नियर डी मार्ट रिंग रोड नंबर 1 अपोजिट विनायक विहार कॉलोनी रायपुर। तो आप यहां पर प्लीज़ विजिट करें और इन गाड़ियों की सारी डिटेल्स जान सकते हैं और सारे ऑफर्स भी। और अगर आपको इस बेनेली टोर्नेडो 302R के वाइट कलर का रिव्यू देखना है तो मैंने वो भी बना रखा है, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ जाऊंगा। तो आपको दोनों ही गाड़ियों का वीडियो देखने मिल जाएगा कि ये गाड़ी वाइट कलर में किस तरह से दिखती है और ब्लैक कलर में किस तरह से दिखती है। और मैंने बेनेली के TNT 600i का भी रिव्यू कर रखा है, मैं उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ जाऊँगा, तो प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा। So without wasting any time, let's start the video. तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी में मिलने वाले इंजन सेक्शन की। तो इस गाड़ी में आपको मिलता है बहुत ही बढ़िया रिफाइंड 300cc टू सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन बेस्ड लिक्विड कूल्ड पेट्रोल इंजन, जो कि 38.26 bhp की पावर जनरेट किया करेगा 11,500 rpm पे और 26.5 Nm का टॉर्क जनरेट किया करेगा 10,000 rpm पे, और ये मेटेड रहेगा 6-speed gearbox के साथ। और एक और बात बता दूँ, ये इंजन आपका BS4 कंप्लाइंट रहेगा। हालांकि 2020 अप्रैल के बाद से आपको इस गाड़ी में BS6 कंप्लाइंट इंजन मिला करेगा। और बात करें माइलेज की, तो इस गाड़ी से आपको मैक्स टू मैक्स 27 किलोमीटर टू द लीटर का माइलेज मिल जाया करेगा। और अब बात करें इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइसिंग की, तो इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 3,10,000 rupees। और बात करें इस गाड़ी के वजन की, तो इस गाड़ी का जो वेट है वो है 198 kg का, और इस गाड़ी की जो सीट हाइट है वो है 785 mm का, जो कि काफ़ी अच्छी सीट हाइट है। इसे 5'4" के लोग काफ़ी आराम से इस गाड़ी को चला सकते हैं, उनका पैर काफ़ी अच्छे से पहुंच जाएगा। और बात करें इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसमें आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 14 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है और रिजर्व फ्यूल रहेगा 1.4 लीटर का। तो इसके रिजर्व फ्यूल में मोस्ट प्रोबेबली ये लगभग 40 किलोमीटर चल सकती है। और बात करें इस गाड़ी के शैसी की, तो ये गाड़ी बनाई गई है स्टील ट्रस्टल इन स्टील ट्यूब्स फ्रेम पर, जो कि काफ़ी अच्छा हार्ड एंड स्ट्रेंथ, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग शैसी है, जो कि आपको हाई स्पीड पे काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी देता है और कॉर्नरिंग करते वक्त भी काफ़ी अच्छी फीडबैक देता है। और इसके टायर्स भी काफ़ी अच्छे फीडबैक के साथ आते हैं, काफ़ी अच्छी इनमें ग्रिपिंग दी गई है,
तो कॉर्नरिंग करने में इस गाड़ी में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस गाड़ी के चाबी से। तो ये देख सकते हैं, ये है गाड़ी की चाबी, जिसको कि आपको इसमें दो फ्लिप कीज मिल जाती हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से फ्लिप होती हैं, और ये बेनेली की ब्रांडिंग भी दी गई है इसमें, यहाँ पर देख सकते हैं। तो काफ़ी प्रीमियम लग रही है ये चाबी। तो चलिए अब गाड़ी में इस चाबी को लगाते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। तो ये देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। लेफ्ट साइड पे आपको इसका एनालॉग टैकोमीटर मिलता है, और गाड़ी के कुछ सिग्नल्स देख सकते हैं, जो कि न्यूट्रल है, ABS है और इंजन ऑयल का। और यहाँ पर MID डिस्प्ले भी दिया गया है, जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स होंगे, जैसे कि डिजिटल ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, दो ट्रिप मीटर्स, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर एंड गियर शिफ्ट इंडिकेटर। और यहाँ आगे पर थोड़ी स्पेस दी गई है, जहाँ पर आप अपने कुछ स्टफ्स रख सकते हैं। और ये विंग मिरर्स देख सकते हैं, जिनकी साइज़ डिसेंट है, काफ़ी स्पोर्टी बनाते हैं गाड़ी के लुक को। और इसमें आपको एक बहुत ही बढ़िया स्विचेबल ABS मिलता है, जिसे कि आप अपने मनचाहा वक्त पर ABS ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, जो कि ड्रिफ्ट मारते वक्त काफ़ी काम आएगा। और लीवर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ आते हैं, और ये 4-स्टेप एडजस्टेबल है। और यहाँ पर किल स्विच मिल जाता है, और ये हज़ार्ड लैम्प का स्विच, जिससे कि चारों इंडिकेटर जला करेगा, जो कि अलर्ट का एक साइन होता है। और ये फ्यूल टैंक देख सकते हैं, काफ़ी मस्कुलर, काफ़ी बोल्ड लुक है, और ये बेनेली की ब्रांडिंग दोनों ही साइड पे। ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छे पैकेज के साथ आती है ये बाइक। और यहाँ पर भी एक शेर सा बना हुआ है फ्यूल टैंक के बाजू में, और ये रेड ब्लैक कलर देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी गई है। फिट एंड फिनिश के मामले में कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश बनाई गई है गाड़ी की। और यहाँ पर भी बेनेली की ब्रांडिंग दी गई है, और ये 302R की ब्रांडिंग, और ये LED इंडिकेटर्स, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखते हैं जलने के बाद। और हेडलैम्प देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिया गया है। और ये वाइज़र देख सकते हैं, और यहाँ पर भी वाइज़र के नीचे बेनेली की ब्रांडिंग। और ये हेडलैम्प देख सकते हैं, ट्विन आपको यहाँ पर हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं, और इसके नीचे में दिए गए हैं LED DRLs, जो कि काफ़ी प्रीमियम देते हैं गाड़ी के लुक को। और नीचे काफ़ी अच्छा सस्पेंशन सेटअप मिलता है आपको, अपसाइड डाउन फोर्क्स मिलते हैं यहाँ पर फ्रंट पे आपको देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको 260mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है दो, जो कि 4 पिस्टन कैलिपर्स के साथ आता है। और ये गाड़ी ड्यूअल चैनल ABS के साथ आती है। और बात करें टायर साइजेस की, तो 110x70 और 17 इंचेस के ट्यूबलेस रेडियल टायर्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रिप ऑफर करते हैं, और विथ ब्लैक अलॉयस। और ये देख सकते हैं 302 लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये इंजन की ब्रांडिंग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो 3D डिज़ाइन दी गई है, ये देख सकते हैं मैं मूव कर रहा हूँ तो किस तरह से डिज़ाइन चेंज हो रहा है। और यहाँ से फिल अप करेंगे इंजन ऑयल, और यहाँ से ब्रेक ऑयल। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक कलर की गाड़ी की फ्रेम जो है वो दिख रही है, और ये ब्रेक पैडल, और पिलियन फुट रेस्ट, और यहाँ पर ब्लैक कलर का ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और ये पिलियन सीट, इसके अंदर टूल किट रखने का स्पेस मिलेगा। और ये टेल लैंप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी कुछ ब्लैक कलर की ग्लॉसी फिनिश दी गई है। और यहाँ से ओपन होगा इसका पिलियन सीट, और यहाँ पर भी बेनेली की ब्रांडिंग, और LED टेल लैंप यूनिट देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और ये इसका नंबर प्लेट, और ये रियर टायर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको रियर पे मोनो सस्पेंशन मिल जाता है विद स्विंग आर्म, और ये मड गार्ड, और टायर की ग्रिप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी दी गई है, जिनका साइज़ है 150x60 और 17 इंचेस के ट्यूबलेस रेडियल टायर। और सिंगल डिस्क ब्रेक मिल जाता है 240mm का विद 2 पिस्टन कैलिपर्स। और ये एग्जॉस्ट देख सकते हैं, ड्यूअल एग्जॉस्ट नोड मिलता है इसमें, काफ़ी अच्छी साउंड ये क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये 2 सिलेंडर की बाइक है, जितने ज़्यादा सिलेंडर होंगे उतनी अच्छी साउंड होगी गाड़ी की। और ये मड गार्ड के लुक को भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है इस गाड़ी में, आपको काफ़ी जगहों पर बारीकी से इसमें जो डिज़ाइन किया गया है वो आपको नज़र आएंगे। और ये चाइनीज स्प्रॉकेट, इसे भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी टच दिया गया है। और यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर दिया हुआ है मड गार्ड पे,
और इंजन देख सकते हैं इस साइड से, और ये इसका गियर पैडल जो कि 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, ये देख सकते हैं इसका गियर पैडल। और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी गई है सिल्वर कलर की, और यहाँ पर भी बेनेली की ब्रांडिंग। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने और भी ऐसे ही बाइक्स के वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है, तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया, इस एंडिंग तक देख लिया, तो आगे के भी वीडियोस देख लीजिएगा। तो प्लीज़ ये वीडियो ख़त्म करने से पहले इस वीडियो का लिंक भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है उन बाइक्स में से कोई सी बाइक की वीडियो आपके काम आ जाए, आपको काफ़ी एक सजेशन अच्छा मिल जाए। तो चलिए आज के वीडियो बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल PM's मोटोग्राफी एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सर्च प्रकाश महंत।